हेलो. सो द क्वेश्चन इज द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगल स्पीड ओमेगा. अज्यूमिंग द रिलेशन टू बी के इज इक्वल टू आई की पावर ए ओमेगा की पावर बी वेयर के इज डायमेंशन लेस फाइंड ए एंड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज. अब देखिए, इन तरीके के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक अप्रोच से निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है वही राइट साइड में भी रहेंगे. तो लेफ्ट साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी. और एनर्जी की डायमेंशन आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने निकाली थी. एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. अब इनर्शिया का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है वो है एम आर स्क्वायर. तो जाहिर सी बात है, इनर्शिया की डायमेंशन जो है वो मास एम और रेडियस का स्क्वायर है. और ओमेगा की हमने भी पिछले थर्ड नंबर क्वेश्चन में निकाली हुई है, वहाँ पर टी की पावर माइनस वन ओमेगा की डायमेंशन आती है. तो इस तरीके से हो गया. अब एल एच एस और आर एच एस में हम इक्वेशंस इक्वेट करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए तो मास की डायमेंशन जो है इसमें हम कॉन्स्टेंट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसमें मास की डायमेंशन जो है वो लेफ्ट और राइट में इक्वेट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए मास की पावर वन है, और राइट हैंड साइड में जो मास की पावर है वो ए है एक तो, और ए ही है बस. सिमिलरली हम लोग लेंथ के लिए निकालेंगे. तो लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एल की पावर टू है, राइट हैंड साइड में क्या है, टू ए के बराबर है. फिर हम लोग ऐसे टाइम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस टू है, राइट हैंड साइड में. तो ये सॉल्व करके हमको ए की वैल्यू तो वन मिल गई, बी की वैल्यू टू मिल गई. तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी आ गई कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिंपली प्रोपोर्शनल है के आई की पावर वन और ओमेगा की पावर टू के. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.